الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله. اج دل تے ہتھ رکھ کے سچ سچ دس اج دل تے ہتھ رکھ کے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے پیار نبی دا سینے وچ نہیں وت فاروق ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستان ٹھیکا سے وت ہندوستان ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا میں پوچھیا عید دے چن کولو او کئی تے کو عید کرائی ہائی چن آکھیا میری زندگی وچ اکیو جی چن آکھیا میری زندگی وچ اک رات او جی آئی ہائی کڈائی کھڑ کے عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی بوائی آئی اوندی انگلی دے فاروقی اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آئی قبل ترام عزت محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو بزرگو نوجوان اور عزیز ساتھی محترم جناب عزت ماب مولانا عبد الباسط جنجوہ صاحب دی محبت دھنال اج تساں ہاں باپ دے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہنا ذرا توجہ میرے وال ہوئے سیرت رحمت للعالمین کانفرنس دے ذریعے ایک پیغام دینا چن
एक अकीदा समझाना जाना जरा तुहाडी तवज्जो मेरे वल होए शोर गोर तू सफर करके अहबाब दे कोल आया जरा मेरा पैगाम नोट कीजिए जरा तवज्जो कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत और शान और मकाम और अजमत और रिफत और बुलंदी अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान तो बनान तो पहला पहला अल्लाह ताला ने बयान कर दी थी इस रोए जमीन दे उते जितने भी अंबिया कराम आए ने जिन्ने भी नबी आए ने हर नबी ए दावा दीती है ए पैगाम दिता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत और अजमत नु बयान कीते याद रखिए जिन्ने भी उलमाए कराम आणगे जिन्ने भी लोग आणगे हर बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत आप दी शान और मकाम और रुतबा ए बयान करते रहेंगे इंशाल्लाह कयामत दियां दीवारां तक बयान होंदा रहेगा हर खतीब हर मुकर्रर अपनी तकरीर दे आखिर दे अंदर हर मुसन्निफ अपनी तसनीफ दे आखिर दे अंदर ए बात जिक्र करदा है मेरी जिंदगी मुक जाएगी दिन रात खत्म हो जाएंगे लेकिन आमना दे लाल दी शान और मकाम खत्म हो सकदा आवाज नहीं आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मकाम खत्म हो सकदा नहीं हो सकदा ऐदे मेरे वल तवज्जो रखिए सीरत रहमतुलिल आलमीन कॉन्फ्रेंस ते तवस्सुत ते नाल पैगाम देना चाहना मेरा पैगाम नोट कीजिए मेरे पैगाम नो अपने गली गली दे अंदर फैला दियो कुंजा कुचा बस्तियां दे अंदर इस पैगाम नो फैलाइए सोशल मीडिया दे जरिए इस पैगाम नो आम कीजिए मक्का सीढ़ी सेंटर दे जरिए पूरी दुनिया दे अंदर मेरा पैगाम अलल ऐलान कर दिता जाए मैं पैगाम देना चाहना मैं अपने मसलक दी तर्जमानी करना चाहना जरा मेरे नाल रल के बोलिए मेरे नाल आवाज मिलाइए जरा जोर लगा के बोलिए अपने मोबाइल दे जरिए फेसबुक दे जरिए मेरा पैगाम नोट कीजिए मेरा पैगाम नो अलल ऐलान कर दिता जाए अपने व्हाट्सएप दे जरिए मेरा पैगाम फैला दियो दुनिया के उत्ते मेरे पैगंबर जैसा कोई नहीं ना कोई आया है ना कोई आ सकेगा जरा रल के बोलिए हमारे नबी जैसा कोई नहीं है तुहाडी आवाज आनी चाहिए मेरे पैगंबर जैसा आवाज नहीं आई मेरे नबी जैसा कोई नहीं मेरा पैगाम फैलाइए उन लोगों तक मेरा पैगाम दे दीजिए नहीं पहुंच सकता मैं पैगाम देना चाहना मेरे पैगंबर जैसा आवाज नहीं आई बाबे भी बोलन है ऐ प्यारे सफेद दाड़ियां वाले भी बोलन जवान भी बोलन साडे नबी जैसा आवाज नहीं आई बच्चियो गूंज पा दियो पता लगे शोर कोट का नौजवान उनका दिल खुश हो जाए जंग के लोग बड़े प्यारे सन है और मौलाना अब्दुल अलीम जस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का शहर है आनी चाहिए साडे नबी जैसा साडे नबी जैसा कोई नहीं आइए चंद दलाल तुस अहबाब दे सामने बयान करके ज्यादा चाहवांगा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमाम उल अंबिया इमाम उल खुदा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दे सीनाए पाक ते नाजिल होण वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान गिलान करदा फरमाया के आ
मुबशीरां व नज़ीरां सुने आशे कायनात ते लोगो जंग दे बासिया घरा पैगाम ते गौर करी अल्लाह फरमार ने मैं तुहाडे कोलों एक नबी भेजिया है वो गवाहियां देगा वो तुहानू खुशखबरियां सुनाएगा वो तुहानू डराएगा कायनात दे लोगो तां तां मैं का करना साडे नबी जैसा कोई नहीं है अल्लाह तो कुरान ऐलान करता है फरमाया के वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम अदाअन फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिहि इख्वाना अल्लाह फरमान ने मेरे पैगंबर दिया मत पहला ए अरब ते किंज हालात सन मेरे रब रब दी नेमत नु याद करो जग ते बासिया नरा मेरे वल तवज्जो करी ना अरब ते हालात मेरे पैगंबर तू पहला आपस दे अंदर लड़ाइयां सन आपस दे अंदर फसाद सन आपस दे अंदर झगड़े सन निक्की निक्की गल तो तलवारां बैर निकलाया कर दिया सन छोटी छोटी गल तो लड़ाइया शुरू हो जाया कर दिया चाली चाली साल तक लड़ाइया रहदिया कुंभे कबीले खत्म हो जाया करते सन छोटी छोटी गल्ला तो कनात लोगों रब दी नेमत रब ने एक नबी भेजा है उन्हें आके लड़ाइया खत्म करा दितिया उन्हें आके फसाद खत्म करा दिते आपस के अंदर प्यार मोहब्बत वाली फसा कायम कर दीती दरस दिता है मोहब्बत का दरस दिता है प्यार का दरस दिता है मोहब्बत का दरस दिता है ये आपस के अंदर भाई भाई बन गए आपस के अंदर मोहब्बत करण वाले बन गए आपस के अंदर प्यार करण वाले बन गए याद रखो ना ओ वक्त याद करो वकुंतु माला शफा गुफरतिम मिनद वेला याद करो ना जो तुसी जहन्नम दे किनारे ते खड़े सो तुहानू पकड़ के ते जन्नत दे रास्ते ते लान वाला ओ कौन है उनका नाम है जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेरे पैगंबर ने तुहानू जहन्नम दे रास्ते तो दूर किया ते जन्नत दे रास्ते ते लगा दिता है कायनात दे लोगों आज मैं दुनिया वल नजरा दुड़ाना मैनू ओही वक्त याद आंदा है जदों मेरे पैगंबर तू पैण तू पहला जेड़े हालात सन इस अरब ते अज मेरे माशरे ते अंदर ओही हालात पैदा होई जा रहे ने सके बिराने एक दूसरे दे खून दे प्यासे बन गए आपस दे अंदर रिश्तेदारियां ने आपस दे अंदर लड़ाइयां शुरू हो गईयां ओए अल्लाह दे बंदे हो मैं दे अज दे भी लोग वेखे ने दीन दे मामले अंदर भी मुनाफकत शुरू कर दीती दीन दे मामले दे अंदर हसद शुरू कर दिता दीन दे मामले दे अंदर ए रुकावटां बन गए ने इन्ना कोलों पुछो ना तू कौन है जवाब देगा मैं नबी पाक दा उम्मतिया दस यार नबी पाक दे गुमती इंज दे भी भला कम करदे सन जिंज दा कम तू करदा पिया है मेरे पैगंबर दा दीन सुनाण वास्ते लोग आंदे ने तू रास्ते बंद कर देना है मेरे पैगंबर दा दीन सुनाण वास्ते लोग अगे निकलदे ने तू लोगां दे रास्ते बंद करन वास्ते तैयार हो गया है कमलिया कुछ तो ख्याल करना मैं नबी पाक दा उम्मतिया तू नबी पाक दा उम्मती है नबी पाक दा उम्मती ते जिदा कम नहीं हूं करेंदा जेड़ा कम तू करेंदा फिरना है वो छाड़ो अल्लाह दे बंदिया सारे दिल अंदरू मुनाफकता खत्म करना दिल अंदरू
सद कदम कर मैं मनना वा तेनू ओदे लभ गए ने तेनू सदारता लभ गई ने तेनू बाजारत लभ गई ने सदारत दे मतलब नहीं है तू सदारा ते बैठ के लोग दे रास्ते दे अंदर रुकावट पैदा करे अल्लाह दे बंदे कुछ तो ख्याल करना कुछ तो फिकर करना एक बगा तो नहीं ते नबी दे कोल नबी दा कोल नबी दे पाक कोल जाना है माशाल्लाह लाहौर दी अजीम शख्सियत मेरी मुराद अब्दुल्ला फरूक साहब अहलम व सहलम मरहबा अल्लाह पाक शेख साहब दी उम्र अंदर बरकतां दा फरमाए आई तवज्जो मेरे वल करिए हजरात दिवाकार तवज्जो करना वक्त आया है कि एक वक्त आएगा ते कियामत वाले दिन अज रब दे कोल भी जाना है रब दा भी सामना करना है मेरा अल्लाह पूछेगा हाँ बंदिया की करके आया है उत्थे कहीं ना मालका तेरे बंदे दीन सुनांदे सन मैं उन्हां दे अगे रुकावट बन जाया करदा सां उन्हां दे अगे मैं रुकावटां खड़ियां कर देंदा सां और ना अल्लाह दे बंदिया एक वक्त तो वक्त भी याद करना रब दा भी सामना करने तां मैं अग दा पियावां मेरे नबी ने जहन्नम दे किनारे तो तेनू पिछे खिंच करके ले आया है तू अगे जान दिया फिर भी कोशिशां करदा पिया है तां मैं आख्या करना साडे नबी वर्गा कोई होर हो सकदा आवाज नहीं आई साडे नबी वर्गा कोई होर हो सकदा नहीं हो सकदा मेक बेहतर करे आवाज खिंच रहा है हज़रात दिवाकर दरा तवज्जो करना चंद मिसालां तुहाडे सामने रखा ज्यादा चावां मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद दी नमाज अदा करया करदे मां जी आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अनहा फरमांदिया ने एक दिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद दी नमाज अदा कीती है तहज्जुद दी नमाज अदा करन तो बाद प्यारे बिलाल ने फजर दी अजान दीती है अजान दे दुबा दे मेरे पैगंबर ने दो रकात सुनता अदा कीतिया सुनता अदा करन तो बाद मेरा सोना नबी उत्ते मुसल्ले ते कुछ देर वास्ते लेट गए ने मां जी आशा फरमांदिया ने मैं की वेखिया है मैं अखां दे नाल वेखिया है मेरा सोना नबी नींद कर रहे ने गराटियां दी आवाज़ां मैं आशा सुन रही हां कहना ते लोगों बिलाल ने दरवाजा खटकाया है मेरे पैगंबर नु फरमांदे ने सुनिया फजर दी नमाज दा वक्त हो गया है साहबा इकराम तुहाडी इंतजार कर रहे ने आओ ना साहबा नु नमाज पढ़ा दियो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहने फजर दी नमाज पढ़ाई मां जी आयशा दे दिल अंदर ख्याल आ गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करदे सन जेड़ा बंदा लेट के सो जाए या टेक लगा के सो जाए उस बंदे दा वजू टूट जांदा है पर मैं अजीब वेख्या है कायनात दा इमाम है ते नमाज वास्ते पहले सोयो सन इंज उठ के चले गए ने नमाज पढ़ाण वास्ते तवज्जो करना मां जी फरमांदियां ने जदों महबूब वापस आणगे मैं उन्हां कोलों पुछांगी क्या शरीयत तब्दील हो गई है क्या मसलब तब्दील हो गया है मां जी फरमा रही तवज्जो मां जी फरमा रही ने महबूबाए ने नमाज पढ़ा करके पूछा गया है सोने मैनू दसो ना मैं तुहाडी जबान मुबारक अंदरों सुनया है की सुनया है सुनया मैं सुनया सी जेड़ा बंदा फजर दी नमाज जेड़ा बंदा वजू करके लेट के सो जाए या
टेक लगा के सो जाए उस बंदे का वजू टुट जाता है। सुनिया मैं तुहानू वेख्या है, अपनी अखां दे नाल वेख्या है, तुसी नील कर सोती तुहाडी कराटियां दी आवाज है मेरे कन्ना दे नाल सुनिए। सुनिया दसो ना क्या मसला तब्दील हो गया है, क्या शरीयत तब्दील हो गई है? फरमाया शरीयत तब्दील नहीं हुई, मसला तब्दील नहीं होया, ऐशा शरीयत तुंजी है। मैं रब दा नबियां दी मैं उम्मत दा नबियां, मेरी अखां सो जांदियां ने पर मेरा दिल कदी सोया, दिल मेरा नहीं सोया करदा, तां तां मैं अपना कीता बयान करदा पिया। साडे नबी जैसा बाद नहीं आई, साडे नबी जैसा कोई नहीं। कायनात के लोगों अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला का से, मेरे नबी वर्गा कोई होर हो सकता नहीं हो सकता। ऐसे मेरा कीता बयान करता पिया, उलामा कराम मौजूद ने, उलामा कराम की मौजूदगी के अंदर मैं पैगाम देता पिया। आखिरी गल्ला करा मेरे वल तवज्जो करिया जे, मैं कीता बयान करता पिया इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मैं पैगाम देना चाहना मक्के सीडी सेंटर के जरिए, पैगाम देना चाहना कायनात के लोगों मेरे पैगंबर पहाड़ी ते गए ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहाड़ी ते गए ती जाके बयान कर रहे ने सामने मुशरिकीन ने, अकीदा बयान करन तू पहला, रिसालत बयान करन तू पहला मेरा पैगंबर की बयान कर रहा है। जरा मैं सवाल स्पीकर साथ नहीं दे रहा, मैं साउंड वाले दे के गुजारिश करांगा अपना स्पीकर बेहतर कर, इतनी कला इंज खिंच के लैके जा रहा है और जिंज मैं तेरा गुजार देना हो इंज मैं अपना स्पीकर बेहतर कर। हजरत दिवाकार तवज्जो करना मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा बयान करन तू पहला पहाड़ी ते गए ने मेरे पैगंबर, अकीदा बयान करन तू पहला रसालत बयान करन तू पहला नबुव्वत ऐलान करन तू पहला। फरमांदे ने कि मक्के दे मुशरिकों कुफार मक्का मेरी गल दा जवाब दे आ जे, मैं तुहाडे किन्नी सीने अरसा किन्ने साल दा अरसा गुजारिया है, जवाब आया है कि सुनिया 40 साल दा अरसा गुजारिया है, दसो मक्के ते काफरों मैनू जवाब दे आ जे, मैनू दसो 40 साल दा मैं अरसा गुजारिया है तो मैनू किंज दा पाया है। आवाज आई है सुनिया तुहानू सादिक पाया है ते अमीन पाया है, तुहानू इंज दा पाया है, तुहाडे अंदर कोई खामी सानू नजर नहीं आई। बड़े बड़े चौधरी तो बड़े बड़े सरदार वेखे, बड़े बड़े वडेरे वेखे, बड़े बड़े ताजर वेखे, सुनिया तुहाडे जिहा कोई नजर नहीं आया। सुनिया तुहानू सादिक पाया है, तुहानू अमीन पाया है, तुहानू अमानतदार पाया है, तुहानू दयानतदार पाया है। सुनिया तुहाडे जैसा कोई वेखिया तुहाडे जिहा कोई नहीं वेख्या। सुनिया तेरा स्पीकर मेरे गले दा उंजी बेड़ा गरक कर चढ़िया है, अपना मैक बेहतर कर। मेरे मोहतरम भाइयो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल जिंदगी गुजारन तू बाद मक्के दे काफरां दे कोल खड़े ने, सामने मक्के मुशरिकी ने मक्का ने फरमाया है दसो ती जरा मैं तुहाडे अंदर 40 साल दा अरसा गुजारिया है, वो मैनू किंज दा पाया जे, वो मैनू किंज दा समाया जे। आवाज आइए सुनिया तुहाडे जैसा असी कोई वेख्या, मेरे पैगंबर दे अपने ते अपने सही ओ बेगानियां ने भी दस छड़िया है तुहाडे जैसा कोई वेख्या नहीं वेख्या। फिर मैं पे अपने अकीदे दा इजहार करना चाहना, मेरा मसलक दा ए माटो है, मेरे मसलक दा पैगाम है, साडे नबी जैसा कोई नहीं, मेरे पैगंबर जैसा कोई नहीं। आओ मेरे मोहतरम भाइयों जरा जरा तवज्जो कीजिए, आखिरी गल्ला मेरा सलाम है मेरे मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंजे आवाज खत्म कर छड़ी है यू आवाज खोलना जरा मैं अपने मसलक दी तर्जमानी करा कायनात ते लोगों जरा मेरे वल तवज्जो करे आजे आवाज खोलो यार की मसला बेहतर कर सोन जिंज सोन चलान का मजा आए हजराते तो मेरा गला बस करा छड़े बाकी उलमा कराम का की बनेगा हजराते दिवाकार तवज्जो करना मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ते कोल कुछ लोग आए आके कहन लगे सोने असी तुहानू तां नबी मन्नांगे असी तुहानू तां मुर्शिद मन्नांगे असी तुहाडे ते तां ईमान लै करके आवांगे जे आसमान ते चंद दे टुकड़े कर दो आसमान ते चंदे टुकड़े टुकड़े कर दोगे तितान भी मनागे मेरे पैगंबर ने इंज करके सर पकड़ के बह गए ने किंज ते लोग गल कर रहे ने इत्ती रब दी निशानी है रब दी निशानी दे भला कौन टुकड़े कर सकता है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए कायनात दे लोगों मैं पूछना चाहना है फूका वाली सरकार है आसमान वाल फूका मारे ती चमदे दो टुकड़े हो जाने कोई है जंतर मंतर पढ़न वाला आसमान वाले जंतर मंतर पढ़े आसमान दे चमदे दो टुकड़े हो जाए रैपना चलाओ बम धमाके चलाओ मिसाइल चलाओ चमदे दो टुकड़े हो सकते नहीं हो सकते कायनात दे लोगों आसमान दुजबरी ला गया आके कह लगा सोने आसमान वाल उंगली का इशारा करो रब चंदे दो टुकड़े कर देगा तेरे मबूल फरमांदे ने ऐ जिब्रील मैनू दसना भला आसमान वाल कोई उंगली का इशारा करे कि जे भला आसमान दे चंदे दो टुकड़े हो सकते ने मेरे पैगंबर जिब्रील फरमांदे ने सोने सारी कना आसमान आसमान दे चन वाल उंगली का इशारा करे ते जानो चमदे दो टुकड़े नहीं हो सकते सुनिया पूरी धरती आसमान वल नजरा उठांगे अपनी उंगलियां दे इशारे करे पर आसमान दा चंदा टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकता कायनात दे लोगों ऐ इमाम जी ऐ सुनिया ऐ मुर्शिद तुसी आसमान वल उंगली का इशारा कर दियो रब ताला आसमान दे चंद दो टुकड़े कर देगा मेरे पैगंबर ने आसमान वल अपनी उंगली का इशारा किया है ते मेरे पैगंबर ले सलाम दे उंगली का इशारा करन दी दे रे ते अल्लाह पाक ने चंद टुकड़े टुकड़े कर दिते ने तां मैं अपने अकीदे का इजहार करता पियां तां मैं अपने मसलक दी तर्जमानी करता पियां ओ लोगो मेरा पैगाम है नोट करके ले जाओ मेरा पैगाम है गली गली दे अंदर फैला दियो मेरा पैगाम है फेसबुक दे जरिए इंस्टाग्राम दे जरिए व्हाट्सएप दे जरिए मेरे पैगाम नो सोशल मीडिया दे जरिए फैला दियो साडे नबी जैसा कोई नहीं है ऐ मेरा अकीदा है ऐ मेरा ईमान है मेरे मसलक दी तर्जमानी है मेरा ये ईमान है इस धरती ते मेरे पैगंबर जैसा ना कोई आएगा ना मेरे नबी जैसा कोई हो सकता है ऐ कीते दा इजहार करो सारे रल के बोलो गूंज पै जानी चाहिए शोर लगा के बोलो शौक नाल बोलो शौक नाल बोलो अपने कीते दा इजहार करो साडे नबी जैसा आवाज नहीं आई है मैं बिला ऐलान करांगा मैं अपने सुहेल भाई नो कहांगा मेरा प्यारा सुहेल भाई कैमरा फैला के इन्ना लोगों के चेहरे लै करके आ इन्ना दे हाथ उठने चाहिए ने हाथ हिला के कहना है साडे नबी जैसा कोई और हो सकता नहीं हो सकता हाथ खड़े रखने ने हाथ कोई थल्ले ना करे मैं अपने मसलक का पैगाम देना चाहना और जिस जिस बंदे का नबी दे नाले मुहब्बत है और बंदा ऐलान करे और बंदा शौक नाल कहे और बंदा शौक दे नाल कहे साडे नबी जैसा कोई और हो सकता साडे नबी जैसा कोई और हो सकता
नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम भाइयो मैं ऐलान करके जा रही हूँ, मेरे मोहतरम भाइयो उलमाए कराम अपने अपने अदाब के अंदर बयान करते रहेंगे। मेरा ये पैगाम है, मेरा ये उनवान है, मारे नबी जैसा कोई होर हो नहीं सकता।